आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आपका तीर्थ नगरी ऋषिकेश के। सुन देखिए, बहुत ही सुंदर धूप खिली हुई है और उस जगह पे देखिए आप बादल आने शुरू हो गए हैं। मतलब आज शाम तक हो सकता है कि धूप ना रहे। अभी तो बिल्कुल चलचलाती हुई धूप है, मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, लेकिन बादल भी बहुत सारे आ ही रहे हैं। इसका मतलब उधर केदारनाथ बद्रीनाथ की साइड हो रही है बहुत ज़्यादा बर्फबारी और मौसम बना हुआ है बहुत ज़्यादा ख़राब। और इधर की साइड पड़ता है देखिए कुंजापुरी और उत्तरकाशी का एरिया, और जहाँ बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है। तो चलिए देखते हैं ये चलचलाती हुई धूप कितनी देर तक रहती है। और हमने जाना है गीता भवन, मम्मी और मैंने जाना था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई गेस्ट आ रखे हैं तो हमारा प्लान थोड़ा सा और आगे पोस्टपोन हो गया। लेकिन आज हम जाएंगे गीता भवन, क्योंकि लानी है हमने नानी के लिए साड़ी। और थोड़ी देर में फिर मैं आपको दिखाऊंगी गीता भवन का एरिया। तो देखिए ये सभी है होटलियर एरिया, और यहाँ पे चलते हैं बहुत सारी योगा स्कूल। और देखिए यहाँ पे भी एक छत पे एक फॉरनर अपना वर्कआउट कर रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा फॉरनर्स का एरिया रहता है। ये भी है हमारे घर के सामने ब्रू मास्टर कॉफ़ी शॉप, और यहाँ पे भी देखिए फॉरनर्स ही बैठे हुए हैं। तो ये पूरा जो एरिया है तपोवन का, ये टोटल फॉरनर्स का ही एरिया है। यहाँ पे आपको सारी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगी, छोटे घर बहुत ही कम होते हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे ये योगा स्कूल्स ही हैं। पूरा तपोवन इन्हीं तरीके की बिल्डिंगों से भरा हुआ है। बहुत सारे योगा स्कूल्स और थेरेपी सेंटर यहाँ चलते हैं। तो जाना पड़ गया अचानक एक मीटिंग में, और इसलिए जल्दी जल्दी मैं और हस्बैंड जी आ गए हैं मार्केट की तरफ। अब पहले चलेंगे यहाँ से गीता भवन, और फिर देखते हैं बेटे को स्कूल से लेते हुए तब आएंगे घर। तो ये है जानकी पुल का रास्ता, और यहाँ से जाते हैं हम अंदर के लिए, मतलब जानकी पुल के लिए। और ये देखिए ये सारा काम यहाँ पे G20 के टाइम पे हुआ था। बहुत ही सुंदर वुडन डेकोरेशन सारी दुकानों की गई है। और ये है जानकी पुल की, यहाँ से पार्किंग स्टार्ट हो जाती है। विद डेकोरेशन देखिए कितना बढ़िया हो रखा है। सब लोग देखेंगे तो फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं चलने के लिए। ये सिर्फ पैदल वाले लोगों के लिए, सिर्फ पैदल वाले लोग इसमें जा सकते हैं। तो इन्हें रोड में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट डो है, सेकंड डो है, थर्ड डो है। बहुत ही लंबा और खूबसूरत पुल है। देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर ये यहाँ पे चित्रकारी की हुई है, बहुत सुंदर है। उत्तराखंड में चार चांद लगाने के लिए इस तरीके के फोटोज और जो पेंटिंग्स हैं, ये सब G20 के टाइम पे यहाँ पे हुए हैं। G20 के बैनर सब भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ से जा रहे हैं अंदर की तरफ, यानी राम झूला, प्रॉपर राम झूला की तरफ। और वहीं पे गीता भवन की पड़ती है शॉप, जहाँ से करनी है हमने शॉपिंग। ये देखिए यहाँ से गंगा का व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और गंगा का व्यू। ये है जानकी पुल, और ये यहाँ का सुंदर सा घाट घूमने के लिए। पूरी लोकेशन बहुत ही सुंदर है। सब चीज़ें खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये एक सिंगल
शॉप है पूरी राम झूला में जहाँ इस तरीके का सामान मिलता है। एक दो और तीन कौन सा अच्छा लग रहा है ज्यादा? इनके हिसाब से ज्यादा हो जाएगा ना। और कुछ और बेडशीट है। ये डबल बेड में बेडशीट, डबल में बेडशीट भी है क्या? तो सामान लेने के बाद यहाँ पे देना पड़ता है और यहाँ पे करते हैं अंकल जी बिलिंग। उसके बाद ये सामान जाता है पैकिंग के लिए और फिर पैकिंग प्रोसेस। तो यहाँ से हमें रिसीव होगा अब अपना जो पहले वहाँ खरीदा, फिर वहाँ पे बिलिंग हुई और फिर इस हिसाब से यहाँ पे अब हमें ये पैक करके देंगे। तो पूरा एक प्रोसेस है जो इस तरीके से रिसीव किया जाता है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे शॉपिंग प्रोसेस है और बहुत अच्छा है। तो अभी आ गए हैं हम यही परमाट में गंगा जी के किनारे बैठने। देखना कितना सुंदर और सुकून भरा माहौल हो रखा है यहाँ पे। पहाड़ भी के आज हरे हरे से दिख रहे हैं क्योंकि कल शाम को जो बारिश हुई थी उसके बाद सब कुछ बिल्कुल क्लीन सा हो रखा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इधर साइड बिल्कुल बिल्कुल इधर कॉर्नर पे दिखेगा आपको बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है वो जानकी पुल का, और जब आप इधर को टर्न हो जाएंगे तो ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है ये है रामझूला पुल। तो आजकल यहाँ से कर रखी हैं गाड़ियाँ बंद, तो लोग यहाँ से सिर्फ पैदल आ सकते हैं इस वाले पुल से। और दोनों साइड मतलब हम बिल्कुल बीच में इस टाइम बैठे हुए हैं परमार्थ के एरिया में, जिधर से एक साइड रामझूला का पुल हमें दिख रहा है और दूसरी साइड दिख रहा है हमें जानकी सेतु। और ये सब है सामने की लोकेशन जो एक बार पहले उधर की साइड जाके भी मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था जिसमें आपको दिखाया था। और देखिए इतना सुंदर लगता है यहाँ पे, ये ओंकारानंद का आश्रम है और ये देखिए बाकी सारे आश्रम इस तरीके से, बहुत ही सुंदर व्यू है। शोरों से चल रही है गंगा जी में राफ्टिंग भी, और यहाँ पे आगे एक बोट जो एक राउंड लगवाती है जो यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, सिर्फ थोड़े से एरिया में ये बोट चलती है। यानी ये राफ्टिंग, ये काफ़ी ऊपर से राफ्टिंग करते हुए आ रहे होंगे ये लोग। तो ये देखिए ये बोट भी तो दिख रही होगी, ये टूरिस्ट थोड़ा सा एक चक्कर इधर से उधर और उधर से इधर का में लगाते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि पहले तो हम लोग इसी में जाते थे। राफ्टिंग वगैरह का ट्रेंड तो यहाँ पे 10-12 साल से ही स्टार्ट हुआ है, पहले नहीं था। बट पहले जो ये बोट है ये तो बहुत पुरानी है, ये बहुत पहले से चलती है। एक ऑलरेडी उधर वाले साइड पे है और एक ये इधर से फिर उधर गई है, एक ने एक्चुअली दो वहाँ पे ऑलरेडी है साइड में और एक और गई है। तो एक ब्लू हो गई है, एक येलो हो गई है और एक वाइट। ये है राफ्टिंग, लोग कर रहे हैं यहाँ पे राफ्टिंग। तो जी यहाँ से निकल गए हैं हम अब वापसी जानकी पुल के लिए, और रास्ते में थोड़ा सा रुकेंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगी वो परमार्थ वाला घाट जहाँ पे शिव जी की मूर्ति है और जहाँ पे गंगा आरती होती है। और ये एक छोटी सी मार्केट है और इसी मार्केट में लोग लड्डू गोपाल जी और भी बहुत तरीके की मूर्तियाँ, उनके कपड़े
यहीं से खरीद के लेकर जाते हैं। बहुत सुंदर। तो जी आए हैं हम अभी परमार्थ निकेतन पे और ये है देखिए शिव मूर्ति और इस साइड होती है भागवत। ये भागवत का एक अच्छा सा स्टेज है, यहाँ पे धर्मशाला टाइप की बना रखी है, यहाँ पे धर्मशाला में ही भागवत होती है। और देखिए बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से, देखिए शिव मूर्ति का जो पूरा व्यू होता है, जो शाम की आरती का होता है वो कुछ इस तरीके से है। और यहीं पे शाम को जो परमार्थ की आरती होती है वो इसी जगह पे होती है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये बनाया गया है और जो लोग भी शाम को आरती में शामिल होना चाहते हैं वो इस जगह पर आ सकते हैं। ऋषिकेश में परमार्थ की आरती इसी जगह पर होती है। बहुत ही भव्य ये बनाया गया है और ये मूर्ति बहुत अच्छी हाइट की यहाँ पे गंगा जी के ऊपर बनाई गई है। पहले भी एक मूर्ति बनी थी जो बिल्कुल प्रॉपर इसके ऊपर नहीं थी, जो इन्होंने स्टेज सा बना रखा है इस पर नहीं थी, वो प्रॉपर गंगा जी पे ही बना रखी थी। लेकिन आप सभी को याद होगा 2013 की जो आपदा आई थी उसमें, केदारनाथ आपदा में, वो मूर्ति बह गई थी। उसके बाद इसे रीडेकोरेट किया गया और यहाँ पे दोबारा बनाया गया, तो अब एक लेवल देके बनाया गया है। अभी भी जब गंगा जी का पानी बहुत ज़्यादा जलस्तर जब बढ़ जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ये मूर्ति लगभग लगभग पानी के अंदर ही कवर रहती है, बहुत थोड़ी सी ऊपर से दिखती है। बहुत ही सुंदर यहाँ से व्यू है। तो अब हम पहुँच गए हैं रामझूला के बाद ऋषिकेश मार्केट, देखिए आप लोग। और यहाँ से करा रहे हैं हम गोलगप्पे पैक बच्चों के लिए। भैया कर रहे हैं अभी गोलगप्पे पैक और जैसी छुट्टी होने वाली है, मतलब 10-15 मिनट रहिए बच्चों की छुट्टी में, छोटे वाले बेटे को लेते चलेंगे आज साथ में, बड़ा वाला तो बस से ही आता है। और फिर यहाँ से निकलते हैं हम सीधा घर के लिए। यहाँ पे खरीद रहे हैं हम घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियाँ। सब्जियाँ तो क्या, प्याज टमाटर खत्म हो रखे थे, वही ले चलते हैं। चलो जी मार्केट से भी फ्री हो गए, इतना कुछ शॉपिंग तो मार्केट का था ही नहीं। और अब चलते हैं हम बेटे को लेने के लिए स्कूल, और छुट्टी हो गई होगी, वेट कर रहा होगा स्कूल। देखिए कितना जाम लगा हुआ है यहाँ पे, स्कूल की छुट्टियों का टाइम होता है तो जाम भी लग ही जाता है। तो मैंने अपने बेटे को कर लिया है स्कूल से रिसीव और हम जा रहे हैं घर। खांसी हो गई थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं होगी, मैं कितनी देर से देख रही थी आपको, आप खेल रहे थे वहाँ पे अपने दोस्त के साथ। और क्या था आपके दोस्त का नाम? परीक्षित और नूर। परीक्षित और नूर, अच्छा के साथ मेरे दोस्ती नहीं है पर मैंने बना दिया दोस्त। अच्छा, मतलब दोस्ती नहीं है लेकिन खेल रहा था बस। नहीं, मैंने दोस्त बना लिया पर। अच्छा, बना लिया दोस्त। अच्छा, है नहीं दोस्ती पर बना लिया है ना? हाँ, बना लिया था। तो आज गुन्नू को अच्छा लगा मम्मा लेने आई? हाँ। सच्ची में? हाँ। चलो फिर चलते हैं घर। चलो जी पहुंच गए हैं हम अपने घर, अब अपनी नियरेस्ट मार्केट में, और यहाँ से चलते हैं हम घर की तरफ। और आज बच्चों के लिए खाना भी नहीं बनाया, जस्ट जाके कुछ फटाफट से रेडी करना पड़ेगा क्योंकि तो बहुत देर हमें गीता भवन में भी लग गई थी, मार्केट में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन वहाँ तो सिर्फ 5 मिनट गोलगप्पे पैक कराने में लगे, गीता भवन में काफ़ी टाइम लग गया था। और यहाँ पे तो जाम की स्थिति हमेशा ही बनी रहती है। और यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। और हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ के लिए आता है ये वाला टर्न, और इस टर्न में जाना पड़ता है हमें ऊपर के लिए। ये बहुत ही एकदम स्ट्रेट चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई एकदम, और इस एरिया को कहते हैं तपोवन। यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट एरिया है वो यही है तपोवन। तो पहुंच गए हैं हम घर और मैं आ गई हूँ गीता प्रेस में से, जो हम लोगों ने ये इस तरीके का, इस साइड से दिखाती हूँ मैं आपको, ये गीता प्रेस वस्त्र विभाग के नाम से है जो स्वर्ग आश्रम में है, और ये गीता प्रेस वालों का है, यहीं से सारा सामान खादी का और
जो भी मतलब हिंदुस्तान का जो भी मटेरियल होता है वो यहीं पे से मिलता है, और यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ मेड इन इंडिया ही मिलेगी। और ये लाई हूँ मैं नानी के लिए साड़ी, ये तो बिल है। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको साड़ी। नानी मेरी काफ़ी एजड हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन पे ये साड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। बहुत फुली फुली सी वाली नहीं है, एकदम सॉफ्ट साड़ी है, और उनकी एज के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी लगेगी। बाकी नानी को इतना कुछ पता तो है नहीं, क्योंकि वैसे हम चाहे कितनी भी अच्छी लेके चले जाए या कितनी क्योंकि अभी वो इतना किसी को नहीं जान पाती हैं, इतना नहीं समझ पाती हैं, उनकी एज काफ़ी हो गई है। लेकिन उनके लिए मम्मी ने स्पेशली मंगवाई थी वाली साड़ी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। और ये ली है मैंने एक बेडशीट जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। नज़दीक से दिखाना, देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, और मतलब बिछा के कुछ इस तरीके की लगेगी। ये इसका एक रफ कैटलॉग है जिसमें दिखाया गया है इसका डिज़ाइन, और बेडशीट मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से है। कलर मैं आपको बोलूं तो ये लगभग पिस्ता होता है ना, लाइट ग्रीन पिस्ता, उसकी तरह है, एकदम लाइट लाइट ग्रीन कहो या हाँ लाइट ग्रीन पिस्ता कलर है। बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब मुझे एक बार में ही देखने में ये वाली बेडशीट पसंद आ गई थी। और कम ओवरऑल बेडशीट ऐसी ही है, बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए पहुंच गए थे हम अब घर, और फटाफट घर आके मैंने बच्चों के लिए पुलाव भी बना दिया था, क्योंकि खाना बना के नहीं जा रखे थे। तो वैसे भी लेट हो गया था काफ़ी यहाँ पे भी ये वाली शॉपिंग करते हुए और थोड़ा सा गंगा जी के पास बैठने से, और आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। और फाइनली घर आकर मम्मी को भी मैं जो साड़ी लाई थी बहुत पसंद आई, बेडशीट पसंद आई। तो वीडियो को करते हैं आज यहीं पे एंड। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शॉपिंग कैसे लगी। और हो सके तो एक बार आप गंगा आरती में, परमार्थ निकेतन और गीता प्रेस में शॉपिंग करने के लिए ज़रूर जाएं। मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।